अदर वीडियो फेमस बायोलॉजी सी एस आई आर यूजीसी नेट 2024 जून का जो फॉर्म है लास्ट डेट वो एक्सटेंड हो गया है। अगर आपने अभी तक किसी भी कारण से ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एनटीए ने दोबारा से ये चांस दिया है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकें और इस बार के जून के एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट हो सकें। सो यहाँ पे डिटेल है, ये नोटिस 21 मई का है और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 21 मई 2024 का है और इस नोटिस में आपको यही साफ साफ बताया गया है कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डेट था मीन्स पहले जो डेट थी वो 21 मई तक के लिए था लेकिन अब आपको बढ़ा करके 27 मई तक कर दिया गया है। मतलब आपको लगभग 6 दिन का टाइम दिया गया है अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अब आपको डिले नहीं करना है। अगर आप CSIR की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप इस बार के जून के एग्जाम को क्वालिफाई करें तो डेफिनेटली उसके लिए फॉर्म फिल करना जरूरी है और फॉर्म के लिए जो डेट अभी आपको बढ़ा दिया गया है वो 6 दिन का, वो 27 मई तक कर दिया गया है। यहाँ पे आपको साफ साफ लिख रखा है बेसिकली इट मे बी नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन द डेट ऑफ द एग्जाम्स। एग्जाम्स का डेट पहले से ही आपको 25, 26, 27 जून अलॉटेड है, उसी डेट को ही एग्जाम होगा। तो मान के चलिए मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 27 मई तक इन्होंने क्या किया है फॉर्म का डेट दे दिया और 27 मई जून लास्ट इनका एग्जाम का डेट, मतलब 1 महीने का टाइम सिर्फ आपके पास बचा है, कह सकते हैं 1 महीने से कम भी। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं CSIR की तो ठीक से सीरियसली तैयारी कीजिए और उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ताकि आप इस बार के जून के एग्जाम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें और होपफुली कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कहीं JRF लेकर के आप PhD में एडमिशन ले सकें या फिर आगे कंटिन्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकें। सो होपफुली कि अभी आपकी प्रिपरेशन भी ठीक से चल रही होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।